हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन झटपट से बनने वाले समोसास की रेसिपी। इन्हें मैंने ब्रेड से बनाया है। इसमें खास बात यह है कि आपको कोई भी मैदा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन्हें व्हीट ब्रेड से बनाया है। मैंने आज आलू का समोसा और पनीर मटर का समोसा बनाया है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। सो गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं आलू की स्टफिंग रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने दो बॉइल्ड आलू लिए हैं, थोड़ा सा धनिया है और 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड करूँगी। सबसे पहले 1/2 टीस्पून मैं सौंफ ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है मैंने। इन तीनों को हमें सबसे पहले रोस्ट करना है और उसके बाद मैं इन्हें क्रश कर लूँगी। और उसके अलावा हमें सूखे मसालों में चाहिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ, 1 चम्मच नमक या आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये तीखा नहीं है, और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मिर्च ली है। इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में जीरा, सौंफ और अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का भून लूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे आलू के मसाला में। अब मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक और हींग ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। वैसे हलवाई लोग यूज़ नहीं करते हैं, आप चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं हल्दी को। बस इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी और फिर उसमें उबले हुए आलू को मैश करके डाल दूँगी। आलू को मैंने प्रॉपर मैश नहीं किया है, इन्हें मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखा है, इनका थोड़ा मॉइस्चर लॉस हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे कढ़ाई में ही इन्हें मैश करूँगी। इन्हें बस मैं आधे मिनट तक, 1 मिनट तक भून लूँगी ताकि इनका मॉइस्चर निकल जाए। वैसे मैंने इन आलूओं को बॉईल करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। बस 1 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें सारे सूखे मसाले भी ऐड कर दूँगी। ये मैंने जीरा और सौंफ और अजवाइन को भी क्रश कर लिया है। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और धीरे धीरे अपने आलू को भी मैश कर दूंगी। आलू के बहुत ज़्यादा चंकी पीसेस हमें नहीं रखने हैं, नहीं तो वो समोसा की फिलिंग में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, तो इसलिए आप इन्हें मशी ही रखें। आप चाहें तो यहाँ पर मटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं, इनका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आलू में मॉइस्चर होगा तो समोसा फटने का डर रहता है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूंगी और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब पनीर की स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने घर का ही बनाया हुआ छेना यूज़ किया है। ये मैंने 1/2 किलो दूध को फाड़कर बनाया है। थोड़े से मैंने मटर लिए हैं, 1/2 प्याज है और गार्निश के लिए हरा धनिया है। सूखे मसालों में मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/3 टीस्पून आमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा थोड़ा सॉटे हो जाएगा, उसके बाद इसमें अनियन ऐड करूँगी। अनियन ऐड करने के साथ साथ ही मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये फ्रोज़न मटर लिए हैं इसलिए ये जल्दी ही पक जाएंगे। तो जब तक मेरे अनियन थोड़े से भुनेंगे, साथ साथ मटर भी हो जाएंगे, इसलिए मैं इसमें मटर भी ऐड कर रही हूँ।
अब 2 मिनट के बाद मटर मेरे पक चुके हैं, इन्हें मैं मैशर से मैश कर रही हूँ। अब चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इन्हें एज इट इज़ रख सकते हैं, बट क्योंकि समोसे की फिलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। ये देखिए बस इतना ही, और इसमें अब मैं सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जले नहीं और थोड़ा सा पक जाएं। बस 2 मिनट पकाने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें पनीर भी ऐड कर दूंगी। पनीर को मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसे बस मैं कढ़ाई की हीट में ही थोड़ा सा पका लूंगी। इस सारे मिक्सचर को क्विक मिक्स दूंगी और हरे धनिए से इसे गार्निश कर दूंगी। इसे भी ठंडा होने के लिए रखना है। तो समोसा की फिलिंग हमारी दोनों रेडी हैं। तब तक हम अपनी ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। मैं आज व्हीट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मैदा वाला ब्रेड यूज़ करते हैं तो टोटली आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रेड को हमें बेलन से फ्लैट करना है। मैं इसके एजेस को अभी नहीं काट रही हूँ, इन्हें बाद में कट करूँगी। सबसे पहले मैं इन्हें अच्छे से फ्लैट कर दूँगी। आप देखिए कि ये व्हीट ब्रेड है इसलिए ये थोड़ी सी ड्राई है और उतनी ज़्यादा बाइंड नहीं हो रही है, बट अगर आप मैदा वाली ब्रेड यूज़ करेंगे तो इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स को भी मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और इसके एक कॉर्नर इस ब्रेड का अलग हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमें उसे अलग ही करना है। बस इसे अच्छी तरीके से मुझे बेल कर पतला कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह। अब मैं इसके कॉर्नर्स को कट कर लूँगी और बिल्कुल नीट कर लूँगी इन कॉर्नर्स को। अब इसके चारों कॉर्नर्स में मैं इस तरीके से कट लगा दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है बट अगर आप लगा देंगे तो ब्रेड के कॉर्नर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये अदरवाइज़ भी बाद में टूट जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें पहले ही हटा रही हूँ और बिल्कुल एजेस को क्लीन कर रही हूँ। अब इसे मैं सेंटर में से इस तरह से कट लगाऊंगी, ट्रायंगल शेप बनाऊंगी। अब मैंने ये मैदा और पानी का एक घोल बनाकर रखा है, ये गाढ़ा पेस्ट की तरह मैंने बनाया है, तो इस तरह से मैं एक साइड पर इसे लगा रही हूँ और दूसरी साइड को इसके ऊपर ओवरलैप कर दूंगी और इसे अच्छे से सील कर दूंगी। ऊपर की तरफ इस कॉर्नर को मैं अच्छे से बंद कर दूंगी ताकि यहाँ से समोसा खुले नहीं और हमें हमारी स्टफिंग बाहर नहीं आए। इसे धीरे धीरे टाइम लेकर मैं बनाऊंगी और इसके सारे एजेस को मैं अच्छे से स्मूथ कर लूँगी अपने फिंगर से, क्योंकि ये व्हीट ब्रेड है इसलिए स्मूथ नहीं हो रही है प्रॉपर, बट स्टिल क्योंकि मैं व्हीट ब्रेड ही यूज़ करती हूँ इसलिए मैं उसी तरीके से इसे बना रही हूँ। आप टोटली मैदा ब्रेड से भी इसे बना सकते हैं। इसके कॉर्नर्स को मैं स्मूथ कर लूँगी तो इसे हमें स्टिक करने में इजी होगा और ये बिल्कुल खुलने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब मैं इसमें फिलिंग करूँगी और फिलिंग को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है इसमें, क्योंकि इस आटे में बहुत ज़्यादा लचीलापन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप इसे फिल कर देंगे तो इसके फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप इसमें थोड़ा कम मिक्सचर भरें। अब मैं इसके सारे कॉर्नर्स पर यही पेस्ट लगा रही हूँ ताकि मैं इसे बंद कर सकूँ, और उसके बाद दोनों हाथों से इस तरह से देखिए मैं ये कर रही हूँ, दोनों हाथों से आपको इस समोसे को एक साथ बाइंड करते हुए बंद करना है ताकि इसके एजेस जो हैं बिल्कुल सील हो जाएं। बहुत ही छोटे से टीनी वाइनी से समोसा बच्चों को बहुत अच्छे लगे। अब मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ, आलू का समोसा। मैं सेम तरीके से इसे सील कर रही हूँ।
अच्छा, अगर आप इस समोसे में थोड़ा बड़ा स्लाइस वाला ब्रेड यूज़ करेंगे तो ये समोसे और अच्छे बनेंगे, थोड़े बड़े भी बनेंगे और आपको सील करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने ये अपने सारे समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। इन्हें फ्राई करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेड को फ्राई होने में बिल्कुल कुछ सेकंड्स या मैं कहूँगी आधा या 1 मिनट ही लगता है। तो फ्राई करने में हमें दिक्कत नहीं है, बट इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम है। आप एक साथ सारे बनाकर रख लीजिए और उसके बाद इन्हें एक साथ फ्राई कीजिए। 2 मिनट में बनकर ये रेडी हो जाते हैं। तेल को मैं यहाँ पर मीडियम गरम रखूँगी। ठंडा तेल हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, जो कि नॉर्मली हम मैदा समोसा के लिए करते हैं, क्योंकि वो मैदा कच्चा होता है, उसे पकाना होता है। बट यहाँ पर ब्रेड को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है और बहुत जल्दी ये ब्रेड ब्राउन हो जाती है। बस हमें मीडियम हॉट ऑयल पर ही इनको डालना है। यहाँ पर मैंने एक साथ अपने सारे समोसे ही डाल दिए हैं और अब मैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लूँगी। इन्हें कॉन्टिन्यूसली चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देखिए आप एकदम से डालते ही एक साइड से ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इन्हें मैं बस अलटते पलटते 1 मिनट से भी कम समय में ये फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा क्विक रहना है, बहुत जल्दी ये ब्राउन हो जाते हैं। यू कैन सी इट हार्डली टेक्स टाइम टू फ्राई। बस इसी तरीके से मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी और एक छन्नी में पहले छान रही हूँ और उसके बाद एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी और उसके बाद इन्हें सर्व करूँगी। आपकी किसी भी फेवरेट ग्रीन चटनी, टमाटो केचप, बच्चों को केचप के साथ बहुत अच्छी लगती है, इमली की चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करके बताइए आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। सो गाइज, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।